हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो होने वाली है थोड़ा अलग सा टॉपिक है। और अगर आज के टाइम की अगर हम बात करें, आज के ज़माने की अगर हम बात करें, तो टेक्नोलॉजी में इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है, उसके बारे में बात करेंगे। मे बी आप ये वीडियो देख रहे हो, आपको कुछ लोगों को पता होगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है। अगर आपको पता तो आप ये स्किप करके ये वीडियो जा सकते हो। जिनको नहीं पता वो इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, ठीक है। और आईटी सेक्टर में, अगर हम आईटी सेक्टर में बात करें, तो आईटी सेक्टर में इस चीज़ का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अदर इंडस्ट्री की नॉन आईटी कंपनीज़ हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशीन ऑपरेट करना या जो भी कंप्यूटराइज्ड के रिलेटेड काम होते हैं, ठीक है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत रोल होता है, ठीक है। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसे कहा जाता है, अभी हम बात करते हैं उसके ऊपर। तो दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो चीज़ होती है जिसके अंदर सोचने की, समझने की और सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। जैसे एक ह्यूमन, जैसे हमारी एक ह्यूमन बॉडी है, और ह्यूमन बॉडी हमारा ब्रेन है, ठीक है। हमारा विवेक जो है ये काम करता है, हमें हमारे अंदर सोचने की क्षमता होती है, समझने की क्षमता होती है, चीज़ों को सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। हमारा दिमाग इस तरीके से काम करता है। इसी तरह, ठीक है, साइंस के द्वारा बनाया गया कोई, फॉर एग्जाम्पल हम रोबोट ले लो, तो उसमें एक रोबोट को आप मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हो। उसमें क्योंकि दिमाग होता है, ठीक है, जिस तरीके से उसको उसमें फीड की जाती है जो चीज़ें, उसमें सोचने की क्षमता होती है, उसमें समझने की क्षमता होती है, वो सीख सकता है हर एक चीज़। जैसे एक ह्यूमन का दिमाग काम करता है, इसी तरह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर भी इंफॉर्मेशन फीड की जाती है, ठीक है। दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि एक इंसान की तरह सोच सकता है, समझ सकता है, सीख सकता है, उसे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, ठीक है। अभी और एग्जाम्पल्स कुछ, मैं आपको एग्जाम्पल भी बता देता हूँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। एग्जाम्पल, आप भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हर रोज़ यूज़ करते हो, बट आपको पता नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, हम सबके पास फ़ोन तो रहता ही है, ठीक है। आप जो फिंगरप्रिंट स्कैनर यूज़ करते हो अपने फ़ोन को अनलॉक करने के लिए, दैट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। वहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है, क्योंकि उसको पता लग जाता है कि अगर आप फ़ोन को अनलॉक करोगे, किसी और का थंब लगा के देखना, कभी नहीं खुलता। आपका जो रजिस्टर्ड होगा उसके साथ, वही वो कैच करता है। तो ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही काम होता है, ठीक है। सेकेंड चीज़ आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, दूसरी एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे फेस डिटेक्शन हो गया, फ़ोन को देखो आपका चेहरा देखता, अनलॉक कर देता सेलफोन, तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आती हैं, ठीक है। सोशल मीडिया, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करता है। नेक्स्ट हो गया हमारा गेमिंग, ठीक है, गेमिंग इंडस्ट्री भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं जो मेन मेन चीज़ें मैंने आपको बता दी। और भी एक दो एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ। ई कॉमर्स, जैसे कि हम पेमेंट, अमेजोन होता है, फ्लिपकार्ट होता है, हम ऑर्डर करते हैं, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मार्केटिंग, ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही काम करते हैं। तो ये सब मोटी मोटी एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताई, तो ये सब चीज़ें हैं, मतलब एक ह्यूमन की तरह सोचता है और ऑटोमेटिकली काम करता है, उसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा जाता है, ठीक है। उसमें सोचने की, समझने की, सीखने की क्षमता होती है, ठीक है। एक रोबोट की तरह वो काम करता है, तो जैसे एक इंसान होता है वैसे एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। एक और एग्जांपल मेरे माइंड में आ रही है, वो भी आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल गूगल मैप्स, ठीक है, जो मैप नेविगेशन हम करते हैं कहीं पर जाना, वो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करता है। उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल होता है। गूगल असिस्टेंट जो हम बोलते हैं वो सुनता है, वो भी वहाँ पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम होता है। तो ये सब चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंडर आती हैं। और भी बड़ी सारी एग्जाम्पल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, बट मेन मेन जो मैंने आपको बताई वो यही थी। तो ये होता है भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज के अगर हम टाइम की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत एक हाई टेक्नोलॉजी बोल सकते हो आप, क्योंकि इसके बिना काम नहीं चल सकता आईटी सेक्टर में। तो आईटी सेक्टर में इसका सबसे ज़्यादा रोल है। तो ये सब चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आई होप आप समझ गए होंगे। वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, चैनल बने तो नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो इस चैनल पर मिलती रहेगी। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच गाइज़।